कुछ ऐसा दिखता है नजारा इस्कॉन का। ये बेंगलोर एक सिलिकॉन वैली है, तो बड़े बड़े बिल्डिंगों के बीच में हमारे कृष्ण जी का एक सुंदर सा बड़ा सा टेम्पल है जो बहुत ही खूबसूरत है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन बेंगलोर का। कैसा है मेरे साथ? मेरे रूममेट प्रियांशु है पहले की तरह, और अभी हॉस्टल से निकल रहे हैं हम लोग। हम लोग देख रहे हो पीछे हॉस्टल है हमारा, तो आगे दिखाता हूँ आपको कैसा लगता है। आपको आचार्य हॉस्टल के जाने के लिए इस्कॉन सबसे पहले आपको दासरथी मेट्रो स्टेशन जाना पड़ता है। उसके लिए हम लोगों ने दासरथी का ऑटो ले लिया। ये मेरे साथ प्रियांशु भाई, आपका नाम क्या है? आर्या। आर्या, आर्यन, 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 ये आर्यन और ये हमारा प्रियांशु और मैं। अब आगे दासरथी मेट्रो स्टेशन जाना होगा, अभी हम लोग ऑटो पे हैं। चलिए आगे का दिखाता हूँ आपको। हॉस्टल में भी घूमना है जाने का उतना मजा नहीं आता गाइस, क्योंकि आरती कुछ अटेंड कर नहीं पाते। बस सोच वगैरह खराब करके जाओ आओ, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला शाम में ही जाएंगे। अभी कितने बज रहे हैं? देखो अभी 3:35 हो रहा है गाइस, तो हम लोग 4 बजे तक पहुँचेंगे और 4:30 तक आरती होगा। मुझे दिखाता हूँ आपको, मज़ा आएगा गाइस, बहुत मज़ा आया। इस्कॉन यहाँ पे, इस्कॉन तो ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड है, तो बेंगलोर में हम लोग हॉस्टल से थोड़ा बाकी पड़ता है, वो अटेंड करेंगे। पूरा साउंड कम आ रहा होगा क्योंकि मैं मोबाइल से ब्लॉग कर रहा हूँ ना, दूसरा ब्लॉग है यार, क्या एक्सपेक्ट करते हो? तो कोई ना, अच्छा आएगा, इम्प्रूव भी होगा। आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर देना, क्योंकि इससे क्या होगा आपको पता ही है, नोटिफिकेशन आएंगे आपके पास जब भी मैं डालूंगा कुछ भी। ऐसे ही नॉर्मल, मैं तो कुछ प्रोफेशनल ब्लॉगर हूँ नहीं, कुछ भी डाल दूंगा तो आ जाएगा आपके पास। अपने भाई लोग हो यार, तो कर दो सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। आगे का दिखाता हूँ। तो हम लोग यहाँ अपार्टमेंट तक आ चुके हैं। अगर आपको नॉर्मल अगर आचार्य हॉस्टल आना है तो आपको यहाँ पे अपार्टमेंट के पास उतरना होगा, और अपार्टमेंट से फिर ऑटो करके आपको आचार्य तक जाना पड़ता है। तो हम लोगों ने डायरेक्ट रैपिडो करा था आचार्य हॉस्टल से दासरथी मेट्रो स्टेशन तक, इसलिए हम लोग को आचार्य ये अपार्टमेंट के पास उतरना नहीं पड़ा। और आगे डायरेक्ट यहाँ से BMTC का बस चलता है गाइस, आप ऊपर सकते हो। आई होप यू विल एंजॉय दिस जर्नी गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक भी कर देना हो सके तो अच्छा लगे। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए, हम लोग यहाँ दासरथी मेट्रो स्टेशन। इधर हम 3 आदमी हैं और ये बंदा अभी रैपिडो का पेमेंट कर रहा है। तो चलिए आपको आगे का दिखाता हूँ, बहुत मज़ा आएगा गाइस। इस्कॉन बहुत ही पीसफुल जगह है। तो आप बेंगलोर में पहली बार जा रहे हो इस्कॉन? सुकून मिल रहा है। आपका दोस्त कहाँ है आपका? आर्यन भाई, आपको आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप गए हो कभी बेंगलोर का? फर्स्ट टाइम जा रहे हो? तो दोस्तों, मैं भी एक बार गया था इससे पहले, आई थिंक 2-3 महीने पहले गया था मैं, और अभी ये दूसरी बार हो रही है मेरी। तो जाने में यार, इस तरह के जगह जाने में बहुत मज़ा आता है। यूजली हर किसी को आता है यार, जो भी मतलब जुड़ा हुआ है इससे तो उसको बहुत मज़ा आता है। आई होप आपको भी मज़ा आएगा दोस्तों। तो हम लोगों ने पेमेंट करके वो टोकन ले लिया है सेंट्रल सॉफ्ट फैक्ट्री का। अब यहाँ से जाना है मेट्रो के लिए। अब गाइस, यू आर एक्साइटेड या नॉट? यस, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि यार कोई भी एक्साइटेड होगा ही, मतलब
इस्कॉन इज ए ब्यूटीफुल प्लेस गाइस। दोस्तों अभी तो मैं अभी मेट्रो में है, आपको बीच बीच में मैं सिनेरियो सिनेमैटिक सीन्स दिखाऊंगा। अभी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, अभी कितना 10 मिनट्स में पहुंचने वाले हैं गाइस। तब तक आप लोग सिनेमैटिक सीन्स इंजॉय करो। आप समझ सकते हो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता ना कहीं पर पब्लिक प्लेस में ब्लॉक करना, तो तब भी मैं कर रहा हूँ। इधर मेरे साथ मेरे दो रूममेट हैं, इधर फ्रेंड्स हैं, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे गाइस। तब तक दिखाता हूँ मैं आपको सिनेमैटिक सीन्स इंजॉय करो। जो आप लोग समझ सकते हो पब्लिक प्लेस में कैमरा उठा के ब्लॉगिंग करना थोड़ा कंफर्ट जोन के बाहर चला जाता है। कोई ना, आगे दिखाता हूँ आपको। हम लोग चैनल सब फैक्ट्री उतर चुके हैं यहाँ से। दासपुर अली मेट्रो स्टेशन पे हम लोगों ने मेट्रो लिया था और अभी चैनल सब फैक्ट्री आ गए हैं। यहाँ देख पा रहे हो आप, अब यहाँ से हम लोग का पैदल जाना होगा, बहुत पास ही है। हम लोग आ चुके हैं चैनल सब फैक्ट्री में। इधर आपको उधर पूरा चैनल सब फैक्ट्री का ही कह सकते हो इंडस्ट्री है, ये बाउंड्री के उस साइड। और इधर से यहाँ से इस्कॉन लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है, आई थिंक आप 1 किलोमीटर पकड़ के चलो। और ये प्रियांशु का रोड क्रॉस करने में बहुत फटता है ये खड़ा था अभी, मैं रोड क्रॉस हो गया, ये उसको क्रॉस कराने के लिए रुका हुआ था। तो प्रियांशु आपको रोड क्रॉस करने में दिक्कत इतना क्यों होती है, आप बताओ। डर लगता है भाई, मैं बाइक वालों को यकीन नहीं कर पाता। हाँ, बड़े गाड़ी ठीक है, फोर व्हीलर, लेकिन टू व्हीलर को मुझे यकीन नहीं होता। कैसे कैसे बोलते हैं, बोल के दिखाइए आप, कैसे बोलते हैं, समझ रहे हो, बोल के दिखाइए। तो आई होप कि आप लोग एंजॉय कर पा रहे हो। ये कौन सा है नेक्स्ट का दोस्तों, इधर देख रहे हो शोरूम है, एक दिन लाने का गाड़ी उठाएंगे। किसका शोरूम है? नेक्स्ट का शोरूम है, इसी से उठा लेंगे एक दिन गाड़ी। यार धूप पड़ रही है यार। दोस्तों हम लोग फाइनली इस्कॉन के पास आ चुके हैं, यहाँ से इस्कॉन दिख रहा है, यहाँ से इस्कॉन ऊपर चढ़ने का रास्ता है। एंट्री ले चुके हैं, इधर जो भी आदमी जूता या चप्पल पहन के आता है उसको इधर जमा करवाना पड़ता है, टोकन सिस्टम है इधर। तो हम लोग पहले इधर अपना जो भी कुछ एक्स्ट्रा कैरी बैग्स है आपके पास या जो भी जूता है चप्पल है उसको जमा करवाना पड़ता है, तो उसके लिए इधर से घूम के आना होगा, हमें टोकन मिलेगा तो वो फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी पहले दर्शन से पहले। चलो वो भी दिखाता हूँ आपको। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे अपना जूता जमा करवा दिया है, पर पेड़ का 5 रुपये लगता है। तो हम लोग 3 आदमी थे, टोटल कॉस्ट 15 रुपीज में। तो आपको ये कैसा लगा ये सिस्टम जूता जमा करने का? अच्छा है। हाँ अच्छा, ये ठीक है। हाँ ये क्योंकि आदमी कहाँ रखेगा, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना इसका, यहाँ पे ये सेफ और सिक्योर है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए तो आपको आगे का दर्शन कराता हूँ। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो, ये मेरा छोटा सा प्रयास है, आई एम नॉट ए प्रोफेशनल गाइड, तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, मेहनत अच्छा लगे, क्योंकि आप समझ सकते हो स्टार्टिंग में बहुत फटता है गाइस। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सिस्टम किया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे आपको गोल गोल घूम के ये मतलब एक ट्रैक टाइप का बनाया हुआ है, उसमें आपको चलना पड़ेगा और आगे इस्कॉन के लिए गाइस आपको बेसिकली सीढ़ी चढ़ना पड़ता है जो ऊँचा है थोड़ा, उसके लिए आपको इस तरह से ये ट्रैक की तरह घूमना, ट्रैक बना हुआ उस पर आपको चलना पड़ेगा पहले, तब धीरे धीरे आप 5 मिनट में लगभग पहुंच जाओगे वहाँ पे। फिर वहाँ पे हरे राम हरे कृष्ण का वो जाप होता है, देखो गाइस इसको यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, हमें वहीं जाना है यहाँ से क्लियरली घूम घूम के। तो बहुत ही अच्छा यार ये सफर, देखो इधर क्या मस्त सिनेरियो है, देखो मस्त लग रहा है इधर, देखो इधर बढ़ ये वाला देखो, इधर टेम्पल का ये चढ़ना यहाँ से शुरू होता है गाइस, बहुत ही अच्छा है। उधर मेट्रो ट्रैक बना हुआ है, सामने रोड है इधर के, और मेरे साथ ये दो कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त में से एक, मैं भी हूँ यार कृष्ण जी का भक्त, कौन नहीं होगा यार, सब है। जय श्री कृष्ण। देखो भाई यहाँ पे फोटोशूट होता है श्री राधा कृष्ण। तो यहाँ से एंट्री है इस्कॉन का, ये देखो यार अभी बहुत ऊपर जाना है, वो 108 बार
मंत्र का जाप करके ऊपर जाना होता है, मतलब दो एंट्री है, डायरेक्ट भी जा सकते हो और मंत्र का जाप करके भी। हिंदी हिंदी दोस्तों, हमें ये दिया गया है जिसमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन मंत्रों का 108 बार जाप करके हमें वहां तक जाना है। एक्चुअली ये लाइन में जाप नहीं करना पड़ता, ये डायरेक्ट जा सकते हो आप, और इसमें आपको 108 बार मंत्र का जाप करना पड़ेगा। तो हाँ, तभी तो इसमें तो मजा है। तो वो लाइन डायरेक्ट है, हम लोग डायरेक्ट से नहीं गए, हम लोग मंदिर का जाप करके जाएंगे। इसमें अलग ही मजा है यार, 10 मिनट लगेगा इसमें, क्या ही जाता है। तो अभी मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मंदिर का जाप करना है। दोस्तों तो हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं, अभी सामने है यहाँ पे कृष्ण जी का वो इस्कॉन टेम्पल अंदर का मंदिर। अभी 108 बार मंत्र का जाप करना पड़ा, तो वो हम लोगों ने किया, मन शांत हो गया, अब आगे आ चुके हैं। तो हम लोग अब इस्कॉन टेम्पल के बहुत नज़दीक आ चुके हैं, अंदर अलाउ नहीं है फोटोग्राफी, तो आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को अंदर दिखा नहीं पाऊंगा, बट बाहर से देख लो, कुछ ऐसा दिखता है नज़ारा इस्कॉन का। ये बेंगलोर एक सिलिकॉन वैली है, तो बड़े बड़े बिल्डिंगों के बीच में हमारे कृष्ण जी का एक सुंदर सा बड़ा सा टेम्पल है जो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से लिखा हुआ है फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इनसाइड द टेम्पल, तो मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा। इस्कॉन के अंदर ये सारी फैसिलिटीज है, हम लोगों ने ये प्रसाद लिया है, लड्डू लिया है, और इधर मतलब एक से एक रेसिपी आपको दिख जाएगा, इधर एक से एक डिलीशियस समोसा हो गया, उधर कचौड़ी हो गया, ये मार्जिन ये लाई है, और मतलब आपको मंचूरियन सारी चीज़ें दिख जाएंगी, ओनली वेजेस वेज में। और हम लोगों ने जलेबी खाया यार, वो मैंने मिस कर दिया यार। कैसा लगा आपको यहाँ आके? बहुत ज़्यादा। खाने का इधर कैसा सिस्टम है? सुकून मिला ना अंदर? दोस्तों अंदर कैमरा बैन था, कैमरा में दिखाने मतलब वहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह बैन था, तो मैंने अंदर का नहीं दिखाया आपको, क्योंकि यार कुछ इलीगल है तो उसको क्यों फिर इलीगल कामों को करना ना, हम लोग इलीगल से दूर ही रहते हैं। तो अभी ये गुफा टाइप का है, देख रहे हो, तो उसमें इससे एक्चुअली एग्जिट गेट है ना, इससे बाहर जाने का है। और प्रियांशु थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा मैं, कि आपको कैसा लगा अच्छा कुछ बताइए, इधर आइए। शांति मिला, अच्छा आके अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला, दिल को सुकून मिला ना यार, सच्ची पता है बहुत ही पीसफुल प्लेस है, अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो। तो यहाँ पे प्रसाद का सिस्टम है, आप प्रसाद खा सकते हो इधर, देखो सारे बैठ के खा रहे हैं, हम लोगों ने भी खाया बट हम लोग दिखा नहीं पाए क्योंकि हमारा हाथ झूठा था ना, अब खाते की दिखाते हैं, समझ सकते हो, बहुत ही बेहतरीन सीन है गाइस। उधर अंदर इस्कॉन है, और उधर जो आप देख रहे हो ना रिसेप्शन वगैरह, वो इधर पूरी पूरा दुकान वगैरह है ऊपर पे, इधर उधर टेम्पल है, और इसमें पानी रहता है, पता नहीं अभी पानी क्यों नहीं है, आई थिंक वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, इसलिए पानी नहीं है। और इधर सारे जितने भी हैं सब प्रसाद खा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है गाइस। अब हम लोग निकल चुके हैं फाइनली इस्कॉन से, और इस्कॉन टू आचार्या हमें विजिट करना है, मेरे साथ पहले की तरह ही प्रियांशु और आर्यन। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे इस्कॉन विजिट करके? अपना अपना रिव्यू दिया, आपको कैसा लगा? मेरे पास माइक तो है नहीं, आप हाथ ही दिखा सकता हूँ, कैसा लगा आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत पीसफुल है, बोरिंग लाइफ में आ रहे हम लोग कॉलेज की लाइफ में। कॉलेज यार्ड 9 to 4:30, दैट इज 9 to 5, या दैट इज 2 हेडेक ब्रो, तो इसलिए 7:30 तक नाइट क्लास भी होगा, नाइट क्लासेस भी होगा, ऊपर से वाला है, ऊपर से रेमेडियल क्लासेस भी होंगे, तो इट्स 2 हेडेक, इसलिए अगर आपको भी मेरे तरह हेडेक से बचना है तो मंथ में या नहीं तो वीक में एक बार आप ऐसे ऐसी प्लेसेस पर विजिट किया करो, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा माइंड रिलैक्स के लिए। इसलिए यहाँ पहुँचने वाले हैं सैंडल सॉफ्ट फैक्ट्री, जहाँ से हम लोगों ने ये मेट्रो लिया था, और वहाँ से फिर हमें लेना पड़ेगा दासरली के लिए मेट्रो, समझ रहे हो? तो गाइस अगर आपको एंजॉय आ रहा है वाकई में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। आई एम न्यू इन दिस प्रोफेशन, यू नो मेरे को उतना आइडिया नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, वीडियो को लाइक करो, और हो सके तो अपने करीबी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। दोस्तों हम लोग फाइनली आ गए हैं सैंडल सॉफ्ट फैक्ट्री, और यहाँ पे दासरली के लिए वेट कर रहे हैं, 2 मिनट है दासरली के लिए, 2 मिनट में आ जाएगा मेट्रो। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अब दासरली मेट्रो स्टेशन,
फिर आचार्य की ओर। तभी आने टाइम तो दिन था बट अब रात हो चुकी है क्योंकि बहुत ही टाइम लग जाता है ना दर्शन करने में, वो मंत्र का जाप करने में। फिर हम लोगों ने वहाँ पे हाफ एन आवर कम से कम रुका भी वहाँ पे, क्योंकि वो बहुत ही नेचुरल था ना वो फीलिंग, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती है वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ पे रुके हुए थे। अब यहाँ से हॉस्टल साइड, हॉस्टल आचार्य हॉस्टल है ना वहीं पे। तो अब यहाँ से निकल चुके हैं हम लोग। यहाँ से अभी कितना 7 बज रहा है, हम लोग निकले थे उधर से 3-3:30 के आसपास और अभी 7 बज चुकी है। और अभी जाने में मिनिमम आपको हाफ एन आवर तो लग ही जाएगा। आप लोग देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे ये लोग पार्टी के लिए लड़ाई कर रहा है। तुम्हें पार्टी दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया, मेरा पार्टी तेरा पेंडिंग है। तेरा बर्थडे कब था? जनवरी ये जनवरी में आ चुका था ये बंदा। जनवरी क्या, आई थिंक ये नवंबर में आया था। नवंबर में आया था, दिवाली के बाद आया था। हाँ तो भाई नवंबर में आ गया था, इसका जनवरी बर्थडे जनवरी में था, तब भी इसको पार्टी नहीं मिला है। तो आज आप कन्फर्म करते हो इन फ्रंट ऑफ कैमरा कि आप इसको पार्टी दोगे? नाइट व्यू ऑफ बैंगलोर, बहुत ही तेज हवा चल रही है, लग रहा है बारिश होने वाला है। मौसम बदल रहा है बैंगलोर का, सुहाना मौसम। यही तो है स्टूडेंट लाइफ, लेकिन अपना भी आएगा गाड़ी। आज ऑटो में है, लॉबी में भी है। दोस्तों अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, क्या कहते हैं, और अब हाँ आप लोग का ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, आप लोग का सपोर्ट रहा, आज ऑटो में है कल लॉबी में भी रहेंगे क्या दोस्तों? जस्ट चिल, लाइफ का हर एक फेज नहीं चक्कर, नहीं घी चक्कर ही बोलते हैं। हाँ हमारे तुम्हारे मुँह में घी चक्कर अगर ऐसा हो गया। लाइफ के हर एक फेज को एंजॉय करना चाहिए, वी ऑल आर एंजॉयिंग मोमेंट। फिर यहाँ आचार्य कॉलेज के सामने पहुँच चुके थे और यहाँ पर हम लोगों ने पहुँच के, ये कितना देर पहले ये रेस्टोरेंट खुला है? ये रेस्टोरेंट कितना देर पहले खुला है गाइस? इसका ओपनिंग कल था ये रेस्टोरेंट का, कॉलेज के जस्ट इधर पीछे हमारा कॉलेज है। कहाँ गया? पीछे इधर कॉलेज है, कॉलेज के जस्ट सामने में ये रेस्टोरेंट खुला था। तो हम लोगों ने यहीं से खाना पैक करवाया, आज खाने का मन नहीं था हॉस्टल में, वो बोरिंग खाना। अब पैक करा के जा रहे हैं हॉस्टल और फिर से वही बोरिंग लाइफ शुरू होगा कल से। नहीं कल तो संडे है, कल सोऊंगा गाइस तगड़ा, आज पूरा दिन थक गया हूँ। और चलो ठीक है, फिर इसी के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। प्रियांशु बाय बोल दो। बाय दोस्तों, बोल दो लाइक कर दो, लाइक सब्सक्राइब कर दो। बोल कहाँ गया आर्यन? सब्सक्राइब करने बोल दो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मेरे बोलने पे कुछ नहीं होता है। हाँ लाइक करो, फॉलो करो, नहीं करो, फेमस होता है, फॉलो करो। यहाँ तो यूट्यूब पे गाइज फॉलो नहीं होता, तो आप सब्सक्राइब ठोको, मुझे नहीं पता चाहिए सब्सक्राइब ठोको। इधर देखो मैं गाइज, मैं अपना कॉलेज भी दिखा देता हूँ, एक दिन कॉलेज का भी वीडियो बनाऊंगा गाइज, कॉलेज के सामने मिनी ब्लॉग। हाँ मिनी ब्लॉग बनाऊंगा कॉलेज का भी। अभी के लिए सब्सक्राइब ठोको, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।